अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम सलमान है। मैं कैब ड्राइवर हूँ, अहमदनगर में रहता हूँ। आज सुबह में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, मेरे धोने की तरफ। अगर धर्रा हुआ तो भाई मैं अल्लाह के पास चलेगा था। ये हमले की वजह क्या है? ये हमले की वजह ये साहब, सिटी के पैसे 2-3 हज़ार रुपये के खाली, 2-3 हज़ार रुपये के मसले की तरफ से हुआ। उनकी दुश्मनी कुछ और ही थी। यानी चिट्ठी आपके भोने के पास जाते थे? नहीं नहीं मेरे वालदा के पास जा था। मेरे वालदा भेजे उनको, बात करके आओगे बोले वो भेजे। तो वो वालदा को फोन करा, क्या हुआ अम्मी कहीं को भेजे उनको? सीधा उन्होंने एक ही बात बोले, मैं मालने भेजी थे, मालने भेजी बोल के उन्होंने मानना शुरू कर दिया। फोन पे बात कर रहा हूँ मैं, ये बोला उनको भाई क्या हुआ? कहने नहीं तेरे रास्ते मेरे को पहले पहले से था, तेरे ऊपर घाट थी यहाँ कुछ ना कुछ तो फिर मारते खुद भी क्या बोल रहे तू? अगर अब बच गया वो बच्चा जब आया मेरे को छुड़ाने, देखिए आप देख सकते हैं, देखिए आप देख सकते हैं आज बेटा मेरे ऊपर हमला करे क्या करे। मेरे घर के सामने वाला मैंने फुटेज थी वो हिसाब में वीडियो रिकॉर्ड हो गया। और ये मसला था सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये का है, ज्यादा नहीं कुछ भी नहीं। और वो ना छुट्टी के पैसे मैं लिया ना कुछ, मेरे वालदा कुछ खर्चा कर लिए थे उनके, उसमें मैं ये भी बोला खर्चा फेर लेता हूँ कर लेता हूँ। और हमारे बोने आके सीधा सीधा मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। पीएस को भी क्या मैं पीएस से पीएस पे कम्प्लेंट करा जी, बल्ला बोला पीएस पे कम्प्लेंट करा। कम्प्लेंट करे तो ना एफआईआर तो बुक कर दिए साहब, मगर जाते हुए क्या बोल के गए देख लिया। अब तो केस तो बुक कर दिया, 2 दिन में छुट्टियां मजा लेते बोले 2 दिन में छुट्टियां हो जाता हूँ देख, उसके बाद देख तेरा क्या करता हूँ। घर पे आ गए थे वो नहीं मार दिया ना जब बोल मेरे को, ये जाते खुद बोल के जा रहे हैं। ये साफ़ बोल सारी बोल रहा आपके भवन जी। हाँ मेरे बोल क्या काम करते कार रहे थे जी? नु स्माइल नगर में थे, कारपेंटर का काम करते। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप हुकूमत से? हुकूमत से मैं ये चाह रहा हूँ कल के दिन उनसे मुझे जानना थोड़ा है, सिर्फ उनके ऊपर कुछ एक्शन होना कल के दिन था, कुछ करने की कोई सोचना था। कई के बोलते जब से कांग्रेस आई अलहमदिल्ला हर चीज़ पे कंट्रोल हुआ, मगर ये छोटे मोटे लड़ाई में जाना जानकर रुका जा रहा था। तो अभी आपको कहाँ काम मार लगे? देखिए साहब ये देख सकते आप सीधा सीधा चार टाके लगे पलट के, उन्होंने नंदी मतने बैठे पूरा गर्दन के पास, ये देख सकते हैं घुटने उठने डाल के फसले में मारे वो हिसाब में। यानी किसे मारे आपको, किस चीज से मारे? आके उन्हें सीधा ढकल के दीवार को ढिच्छा मारना शुरू कर दिया था। अच्छा, सीधा दीवार के ले जाकर ढिच्छे मारना शुरू कर दिया। उसमें मैं कुछ ना कुछ कर सका, जो गंदी का बुद्धा जब भाग लेते आया आगे मेरे को छोड़ा, जब मैं ऐसी हालत में हो गया था उन्हें उठाया करा बीजे था अलहमदिल्ला उठा। और मेरे भाई ये जो मसला था छिट्टी का, मेरा मेरे वालदा का मसला था, उनसे कुछ भी मसला नहीं था। उन्हें उनके दिल में मेरी कुछ थोड़े दिन पहले वालदा से उनकी लड़ाई हो गई थी, बहन से लड़ाई हो गई थी, तो मैं उसके बीच में आगे चाहे सुलह कराने की कोशिश करा था, भी गाली गलत भी मारने की कोशिश करे। जब पी एस में वालापुर पी एस में जब भी केस करे तो अब जान दो भाई फैन का मसला है, जब छोड़ दिए। मगर अब दोनों एक ही बात बोल के मारे मेरे को कि अब नहीं देखो छोड़ दो, बहुत दिन से देख लिया देखो पुराना भी था, अब नहीं छोड़ दो देखो जान दो खुद भी ने एक ही बात बोले अब तो मार लेते देखो। कल के दिन कुछ हुआ था जान का धोखा तो कंपल्सरी मेरे को इनसे है, आज नहीं तो कल खुदा ना खास्ता घर पे आएंगे। मैं टैक्सी चला दो साहब लाइन पे रहा करा, दोस्तों को वोस्तों को ला लिए लाके माननी कुछ तो कंपल्सरी करते छोड़ते था। बस मेरा हुकूमत से अदबन अदबन गुजारिश है, कांग्रेस जो है हमारे अन्ना प्लीज गुजारिश है कि स्ट्रिक्ट एक्शन करने की कोशिश कीजिए प्लीज, और कुछ भी नहीं था।